संभल में पुलिस का अलर्ट जारी, चौक चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात। संभल में चल रहा है CAA के खिलाफ धरना, बीते दिन पहले भी हो चुकी है CAA के विरोध हिंसा। यूपी के जिला संभल में तीसरे दिन भी अलर्ट जारी है, शहर के चौक चौराहे पर दिन रात पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। संभल में CAA के खिलाफ धरने प्रदर्शन को एक महीने से ज्यादा हो चुका है। दिल्ली में CAA NRC के खिलाफ हो रही हिंसा को देखते हुए यूपी के जिला संभल में पुलिस का तीसरे दिन भी हाई अलर्ट जारी है। IG रमित शर्मा और SP यमुना प्रसाद सड़क पर उतरकर लगातार पुलिस प्रशासन के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं और शहर पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। संभल के चौक चौराहे पर दिन रात पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। संभल में CAA के खिलाफ 32 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें, बीते दिनों पहले यूपी के जिला संभल में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा भी हो चुकी है, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने संभल में हाई अलर्ट जारी किया है।